बोर्ड पे ध्यान देना। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिंगल एंट्री सिस्टम में हमने प्रॉफिट निकालना सीख लिया कि किस तरीके से हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, जिसके अंदर हमने देखा था कि क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल होना मैंडेटरी है। अगर ओपनिंग या क्लोजिंग कैपिटल में से कोई भी कैपिटल अगर आपका मिस होता है तो उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। किसके तरीके से हमें प्रिपेयर करना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ओपनिंग के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए क्लोजिंग। अगर कोई एडजस्टमेंट होता है तो हमेशा किस में करते हैं, हम क्लोजिंग वाले में, ओपनिंग में नहीं करते कोई एडजस्टमेंट जनरली। यहां तक का कॉन्सेप्ट हमने कर लिया था। अब आगे आता है फाइनल अकाउंट, जिसको आपके बुक में कन्वर्जन मेथड का भी नाम दे रखा है। तो फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? देखो, बैलेंस शीट बनाने में ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। फाइनल अकाउंट में आपको जो अगर मैं बताऊं तो फाइनल अकाउंट में अगेन जो हम सीखने वाले हैं, हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट। यहां पे आपका टफ जो रहने वाला है, थोड़ा सा समझ जो लॉजिक लगेगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। इसके नीचे तो सारा पीएनएल भी बन जाता है हमारा। इसके नीचे क्या होता है हमारा, पीएनएल। पीएनएल में तो आपको पता है कि खर्चे लिखना है, चाहे आपने खर्चे का पेमेंट किया हो चाहे नहीं किया हो, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड जैसे आपने फाइनल अकाउंट के अंदर सीखा हुआ है वही करना है सेम। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको सेल्स ही ना दूं तो क्या आप ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो? सेल्स मैं नहीं दे रहा, क्या ट्रेडिंग अकाउंट बना पाओगे? नहीं बनेगा, क्योंकि आपने बिजनेस कराया तो सेल्स तो होना कंपल्सरी है। और अगर मैं परचेज नहीं देता सपोज करो, तो भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना बहुत मुश्किल है। तो यानी दो ये ऐसे आइटम है, सेल और परचेज, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में होना जरूरी है। अगर ये मिसिंग रहेगा, अगर नहीं है इस क्वेश्चन में गिवन, तो आप नहीं बना पाओगे फिर ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसका क्या करें, किस तरीके से प्रिपेयर करें? तो हमें एक सेल्स निकालने के तरीके पहले से पता है। नॉर्मली होता है हमारा सेल्स, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कॉस प्लस में जीपी, ये सेल्स निकालने का तरीका है। लेकिन यहां पे इस वाले तरीके का भी यूज हो सकता है, लेकिन समस्या यहां पे है कि अगर आपको मैं कैश सेल्स दे दूं तो क्रेडिट सेल्स कैसे निकालोगे? यहां पे चैलेंजिंग आपका होगा क्रेडिट सेल्स निकालना। सेम परचेज की बात करूं तो दो तरीके का परचेज हो सकता है। एक हो सकता है हमारा कैश, वो तो एग्जामिनर दे रहा है आपको, लेकिन क्रेडिट कैसे निकालोगे? क्या क्रेडिट परचेज निकालने का, सिर्फ क्रेडिट वाले पार्ट का निकालने का कोई जरिया है? क्या क्रेडिट वाले सेल्स निकालने का कोई मेथड्स है, ये कहीं से निकाला जा सकता है? तो बिल्कुल, आज हम वही सीखेंगे कि अगर हमें क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेज नहीं देता एग्जामिनर तो हम फाइंड कर सकते हैं। और भाई क्यों फाइंड कर रहे हैं हम? क्योंकि अगर मुझे कैश सेल्स एग्जामिनर दे देगा और क्रेडिट सेल्स मैं फाइंड कर सकता हूं, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इजीली, टोटल सेल्स आ जाएगा। सेम ऐसे अगर कैश परचेज एग्जामिनर दे रहा है और क्रेडिट परचेज मैं फाइंड कर लूं तो यहां परचेज लिख दूंगा, तो सेल और परचेज जब मैं लिख दूंगा तो इजीली मैं यहां से क्या निकाल पाऊंगा, जीपी। और जीपी के बाद हमारा सीधा फाइनल क्या हो जाएगा, बहुत आसान आंसर हो जाएगा। तो इस वाले के अंदर जो हम फाइनल अकाउंट करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें सीखना पड़ेगा कि भाई हम किस तरीके से क्रेडिट परचेज निकाले और किस तरीके से क्रेडिट सेल्स निकाले। तो मेरा कंसर्न ये है, बताओ क्रेडिट सेल्स जब करते हैं तो क्या बनता है हमारा? जब मैं किसी को उधार माल बेचूंगा तो उसको क्या बोलते हैं, डेटर। तो डेफिनेटली आपको एक डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। सेम अगर मैं किसी से उधार माल खरीदूंगा तो हमें एक क्रेडिटर। तो आज हमें नॉलेज लेनी पड़ेगी डेटर अकाउंट की और एक क्रेडिटर अकाउंट का। आपको अच्छे से पता है, बस मुझे आपको हिंट देना है। देखो डेटर अकाउंट, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, बताओ डेटर एसेट्स है लाइबिलिटी है? एसेट्स है। और आपको अच्छे से पता है कि एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस से शुरू होता है हमारा। जितने भी एसेट्स है वो स्टार्ट कहां से होगा हमारा, डेबिट बैलेंस से। तो मैं यहां पे एक डेटर अकाउंट बना रहा हूं, डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट में एक डेबिट साइड है
और क्रेडिट साइड। आपने बताया सर डेटर एसेट होता है और जिसका बैलेंस डेबिट होता है, तो मैंने बोला कि सर फिर यहां से प्लस होगा ये और इस साइड से माइनस होगा। ठीक है, यहां पे हमें एंट्री तो डालना है, टी शेप अकाउंट में भी सीखा हुआ है हमने ये। तो डेटर हमारा बढ़ किस किस रीजन से सकता है वो मैं बता देता हूं। एक तो उधार माल बेचेंगे तो डेटर बढ़ेगा, तो उधार माल बेचने से अगर डेटर बढ़ता है तो क्रेडिट सेल्स किधर आना चाहिए, टू में या बाय में? इधर से प्लस होगा और इधर से अगर क्रेडिट सेल्स करता हूं मैं तो मेरा डेटर बढ़ता जाएगा। पहले मैंने 10,000 का सेल्स उधार किया था तो मेरा डेटर 10,000 था, मैंने 2,000 का और उधार माल बेच दिया तो मेरा डेटर 12,000 का हो गया। तो क्रेडिट सेल्स की वजह से हमारा डेटर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उसे कहां लिखना चाहिए हमें, डेबिट साइड में। सिंपल सा लॉजिक है। अब बढ़ने का एक ही रीजन मैंने बताया आपको, अब घटने के बहुत सारे रीजन हैं। घटने के और क्या रीजन, क्या क्या रीजन है? अगर मुझे उससे पैसे मिल जाए, डेटर से मुझे पैसे लेने थे और वो मुझे दे जाए, तो 10,000 का मेरा डेटर था और 2,000 रुपये मुझे दे गया, तो मेरे डेटर बचे कितने? यानी अगर मैं कैश रिसीव करता हूं डेटर से तो मेरा डेटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो किधर लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। सेम इसी तरीके से अगर मैं देखूं, मैंने डेटर को डिस्काउंट दे दिया, उससे भी मेरे डेटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कम होगा। तो किधर दिखाऊंगा मैं डेटर पे डिस्काउंट, क्रेडिट साइड। सेम मैंने आपको 10,000 का उधार माल बेचा था और मैं आपको डेटर बोलता हूं 10,000 का उधार माल बेचने के बाद, जब आपको 10,000 माल बेचने के बाद डेटर बोलता हूं, आपने 2,000 का सामान ही वापसी कर दिया, तो क्या अब भी मैं आपसे 10,000 ही मांगूंगा, अब आपसे 8,000। तो अगर मैंने बेचा हुआ माल वापस कर दूं यानी सेल्स रिटर्न, तो उससे भी क्या होगा, डेटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो भी किधर आएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा। कुछ मेरे डेटर डूब गए, बैड डेट्स हो गया, तो उससे भी डेटर क्या होगा, वो भी किधर आएगा, क्रेडिट साइड हो जाएगा। कई बार डेटर से हम क्या करते हैं, गारंटी ले लेते हैं, और जो गारंटी लिखवा के लेते हैं वो डेटर कन्वर्ट हो जाता है बिल रिसीवेबल में। तो अगर डेटर से मैं गारंटी ले लूंगा तो डेटर तो कम हो जाएगा, लेकिन बढ़ क्या जाएगा, मेरा बीआर बढ़ जाएगा। ठीक है ना? तो हम यहां पे डेटर और बीआर दोनों को कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। तो एक तो बनेगा हमारा डेटर अकाउंट, और डेटर अकाउंट में इस साइड से बढ़ता है और इस साइड से घटेगा, और जो बीआर अकाउंट होगा वो भी एसेट्स है, वो भी इसके साथ साथ मैं बनाना सीख लूंगा, एक बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो एक डेटर अकाउंट और इसी के नीचे मैं बना देता हूं बीआर अकाउंट। जरूरी नहीं है कि दोनों अकाउंट बने, लेकिन डेटर अकाउंट मैक्सिमम केस में बन सकता है। अब डेटर अकाउंट बनाने का आप बताओ पर्पस क्या है, तो वो भी मैं अभी पर्पस बताऊंगा आपको। तीन रीजन है सिर्फ डेटर अकाउंट बनाने का, चौथा कोई रीजन नहीं है बेसिकली देखा जाए तो। ये बिल रिसीवेबल अकाउंट बना देता हूं, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बी आर अकाउंट। आप मुझे बताओ ये एसेट्स है लाइबिलिटी है? बिल्कुल ठीक आंसर। तो इसको भी किस तरीके से करेंगे हम, डेबिट साइड से क्या होगा, प्लस, और क्रेडिट से, तो डेबिट साइड टू में होता है और क्रेडिट बाय में, इस साइड में क्रेडिट। तो सिंपली मैं बताऊं तो अब मैं बैलेंस की बात करता हूं। सबसे पहले इसको मैं बाद में लूंगा, पहले मैं डेटर पे चलता हूं। अभी डेटर हमने समझा था। बताओ डेटर का अगर ओपनिंग बैलेंस होगा तो किधर से स्टार्ट होगा, डेबिट से या क्रेडिट से? डेबिट से। तो मैं यहां लिखूंगा टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस। हमें सिर्फ फॉर्मेट नोट नहीं करना, अगर समझ जाएंगे तो फिर डेटर अकाउंट कुछ है ही नहीं। और इसका जो लास्ट का बचा हुआ बैलेंस होगा वो किस साइड होना चाहिए, क्रेडिट साइड में। तो मैं इसके लिए लिखूंगा बाय बैलेंस, बैलेंस सीडी। अब मुझे एक जवाब देना, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में डेटर आता है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट एक तरीके से, उसमें डेटर आता ही नहीं आता, उसमें कौन सा, ओपनिंग वाले में ओपनिंग आएगा और क्लोजिंग वाले में? तो इसका यूज हो सकता है कहीं पे, बिल्कुल। अगर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में मिसिंग है तो इसका यूज हो जाएगा, और क्लोजिंग में मिसिंग है तो इसका यूज हो सकता है हमारा। ठीक है, इसके बाद अगर मैंने क्रेडिट सेल्स किया तो कहां लिखना चाहिए मुझे, टू साइड लिखना चाहिए। अब घटने के पहले मैं रीजन लिख देता हूं। अगर मैंने कैश रिसीव किया, जरूरी नहीं है कि मैं उससे कैश रिसीव करूं, ऐसा भी हो सकता है कि मैं चेक रिसीव करूं, जिसको मैं किससे कहूंगा, बैंक। और डेटर को ना कई बार हम बोलते हैं कैश रिसीव फ्रॉम लेजर। अगर मैं बोलूं कैश रिसीव फ्रॉम लेजर तो आपको समझ जाना चाहिए लेजर का मतलब डेटर से ही रिसीव हुआ है, जरूरी नहीं है कि डेटर बोलूं। तो मैं डेटर को लेजर से भी आपको प्रनाउंस कर सकता हूं, लेजर भी बोल सकता हूं, कैश रिसीव फ्रॉम लेजर। तो ये इस साइड हो गया, इस साइड क्रेडिट साइड आने का रीजन पता चल रहा है क्या आपको,
लॉजिक पता चल रहा है क्यों हो रहा है, कम हो रहा है हमारा डेटर। जनरल एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, डेटर क्या हो गया हमारा कम। अगर सेल्स रिटर्न है तो कहां लिखेंगे बताइए, बाइट साइड सेल्स रिटर्न। और इसको रिटर्न दूसरा नाम क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड, आउटवर्ड परचेज होता है, रिटर्न इनवर्ड। इसके बाद मान लो डिस्काउंट दिया डेटर को, तो बाई साइड में डिस्काउंट, इससे भी कम होगा। इसके बाद बेड डेट्स हो गया तो वो भी बाई साइड में, बेड डेट्स भी बाई साइड में आएगा। क्या दिक्कत है इसमें बेड डेट्स में? नहीं, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी होता है, आपने अभी फाइनल अकाउंट में देखा होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है कि हमें अंदाजा है इतना डेटर हमारा डूब सकता है, तो हमें ये डेटर अकाउंट के अंदर एक्चुअल बातों को दिखाना होता है, अंदाजे वालों का कोई जगह नहीं है। तो अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको क्वेश्चन में मिले तो वो बैलेंस शीट में से माइनस करना अलाउड है, लेकिन डेटर में से माइनस नहीं किया जा सकता। तो बैड डेट्स तो यहां पे आएगा, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेटर अकाउंट में नहीं आएगा कभी भी, इस बात को ध्यान रखना है, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। अब देखो, हमारा बीआर लेंगे तो हमारे डेटर पे कोई इंपैक्ट आएगा क्या? बिल रिसीवेबल, डेटर से ही कन्वर्ट होता है बिल रिसीवेबल, माइनस हो जाएगा सिंपल। तो इधर मैं एक और पॉइंट लिख रहा हूं, बिल रिसीवेबल, जिसको मैंने लिखा बीआर, ठीक है, बीआर मैंने इधर लिखा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। चलो मैं अब इतने से पे ही मैं यहां लेके आता हूं कंटिन्यू में। अब बीआर भी एसेट्स है तो उसका भी बैलेंस बीडी आप बता रहे हो कि सर टू में ही लिखो, आपने बोला टू में लिखो, तो बिल्कुल ठीक आंसर है कि इसका भी बैलेंस बीडी टू में आएगा, और इसका बैलेंस सीडी कहां आएगा, बाय में बैलेंस सीडी। सर इसका बढ़ने का रीजन, जैसे जैसे डेटर को मैं बीआर में कन्वर्ट करता जाऊंगा, मेरा बिल रिसीवेबल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो जब मैं बीआर यहां लिखूंगा तो ये बीआर यहां के बढ़ जाएगा, और यहां लिखेंगे हम डेटर, यहां क्या लिखेंगे हम डेटर, क्योंकि बढ़ जाएगा ना। देखो डेटर कम हो गया तो कुछ ना कुछ एसेट्स तो बढ़ाओ भाई, क्यों डेटर कम हुआ, क्योंकि बीआर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। घटने का रीजन, पैसे रिसीव करूंगा मैं, जैसे बीआर से मैंने पैसे रिसीव किया तो एंट्री आप करते थे ना बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, तो एक तो हमारा रीजन होगा किससे, बाय कैश में या फिर बैंक से पैसे रिसीव करने का रीजन रहेगा हमारा। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड में क्या करते थे याद करो, उसके वापस करो भाई बीआर, तो डिसऑनर के केस में बीआर वापस हो जाएगा, तो बाई साइड में एक रीजन हो सकता है डिसऑनर्ड, और दूसरा कोई रीजन नहीं है डिसऑनर्ड। अगर डिसऑनर होगा, जैसे मान लो मेरे पास, ध्यान से देखना, मेरे पास दो डेटर है, अब इससे मुझे 10,000 रुपए लेने हैं और इससे मुझे 5,000 लेने हैं, तो एक बिजनेसमैन क्या कहेगा, मेरे पास टोटल डेटर डेटर 15,000 रुपए का है, लेकिन ये पर्सन बोलता है कि मैं तो आपको लिखित में देता हूं कि 1 महीने बाद पैसे दूंगा, तो बिजनेसमैन क्या बोलेगा, अब डेटर के दो टुकड़े हो गए, एक तो 5,000 रुपए जो कि लिखित में दे रहा है, ये डेटर नहीं है, ये बीआर है, और बाकी के 10,000 रुपए मेरे क्या बच गए हैं, डेटर बच गए हैं, यही तो जवाब देगा ये। अब बिजनेसमैन फ्रेश एंट्री करेगा तो वो बोलेगा जी मेरा टोटल डेटर कितना है, टोटल डेटर मेरा 10,000 है, और एक और एसेट्स क्रिएट हो गया जिसका नाम बीआर है, वो कितना है हमारा, 5,000, सिंपल लैंग्वेज में। लेकिन ये अगर बीआर, ये दूसरा डेटर था, वो फॉल्स कर जाए, वो पैसे देने से डिनाई कर जाए, तो ये तो खत्म हो जाएगा भाई बीआर, इसने बोला मैं पैसे नहीं दूंगा, तो बिजनेसमैन क्या बोलेगा, ये एंट्री तो गलत हो गई, इसमें से हटाओ बीआर को, बीआर क्या हो चुका है, डिसऑनर्ड, अब मेरा बीआर बचा ही नहीं क्योंकि पैसे तो दे ही नहीं रहा वो, तो बीआर नहीं बचा तो बाद में तो पैसे लेंगे या भूल जाएंगे, लेंगे अगेन, वो कहां बन गया जाके डेटर। अब मैं अगली बार फ्रेश एंट्री करूंगा, अब भाई पहले तो था लेकिन अब फिर से अगेन मेरा डेटर क्रिएट हो चुका है 15,000। तो ये सिचुएशन सीक्वेंस चलता है हमारा। तो जैसे ही बीआर डिसऑनर्ड हुआ, अगेन डेटर पे फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, डेटर बढ़ गया, तो जैसे बीआर डिसऑनर्ड होगा तो एक ही आ सकता है, तो मैं यहां पे बीआर डिसऑनर्ड भी लिखूंगा, बीआर डिसऑनर्ड, बीआर डिसऑनर्ड, ठीक है।
मैंने स्टार्टिंग में ही एक, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया था कॉन्सेप्ट, मैंने बोला था मुझे अच्छी खासी परेशानी आएगी क्रेडिट सेल्स को निकालने में। अब आपको सारी इंफॉर्मेशन अगर मैं दे दूं, यहाँ पे सब कुछ आपको पता है, कोई चीज मिसिंग नहीं है, तो यहां से जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको क्या नाम देंगे? क्रेडिट सेल्स। ये क्या रहेगा हमारा? बैलेंसिंग फिगर, जिसका कहाँ यूज करेंगे भाई? कहीं यूज तो करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में। एग्जामिनर कैश सेल्स दे देगा, क्रेडिट सेल्स ये लो हमने यहां से थोड़ा दिमाग लगा के निकाल लिया, टोटल सेल्स पता चल गया, जिससे मेरा कुछ कुछ ट्रेडिंग अकाउंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि बीआर बने, बीआर तभी बनेगा जब एग्जामिनर डिमांड करेगा, अदरवाइज हमारा सिर्फ डेटर अकाउंट से ही काम चल जाएगा। अब देखो डेटर अकाउंट से कौन कौन से पॉइंट्स को कहां कहां यूज करेंगे, एक बार मैं बस सिंपल सा पूछना चाहता हूं, ओपनिंग बैलेंस कहां जाना चाहिए बताओ? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के एसेट साइड में ओपनिंग है। अब बीआर डिसऑनर्ड बैलेंस शीट में अगर डेटर है तो उसी में ऐड हो जाएगा जाके हमारा। क्रेडिट सेल्स कहां जाना चाहिए? ट्रेडिंग में। कैश रिसीव कहां जाना चाहिए? सोचो, एसेट्स में जाना चाहिए। लेकिन कैश रिसीव अगर एक्चुअल में देखें तो कैश बुक में नहीं जाना चाहिए, कैश बुक में से एसेट्स में पता है कौन सा कैश होता है हमारा? बैलेंस सीडी होता है हमेशा। एसेट्स में जो कैश होता है हमारा वो कौन सा होता है? बैलेंस सीडी। तो कैश रिसीव करना क्या है? बैलेंस सीडी है ये? नहीं, कैश रिसीव कहां जाना चाहिए? कैश बुक के अंदर जाना चाहिए। सेल्स रिटर्न कहां जाना चाहिए? पी एंड एल के, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में से क्या हो जाना चाहिए? माइनस हो जाना चाहिए। डिस्काउंट कहां से जाना चाहिए बताओ? पी एंड एल के डेबिट में जाएगा। बैड डेट्स कहां जाएगा? पी एंड एल के डेबिट में। यहां पे ये मत बोलना कि एसेट्स में से माइनस और डेटर में से माइनस और यहां आएगा, ये डबल एंट्री नहीं होगा, ये सीधा कहां चले जाएगा? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, ठीक है। इसके बाद बीआर अकाउंट कहां जाना चाहिए? एसेट्स में ही जाएगा भाई। बैलेंस सीडी कहां जाना चाहिए? सोचो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, लेकिन कौन से वाला? क्लोजिंग वाला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बैलेंस शीट के एसेट साइड में, मतलब जो एसेट्स होगा वहां जाएगा। तो क्लियर है, डेटर अकाउंट बढ़ने का रीजन कितने हैं? दो, एक है बीआर डिसऑनर्ड, बहुत रेयर केस है आएगा, बाकी क्रेडिट सेल्स। घटने के रीजन मैंने कुछ लिखे हैं जो कि लॉजिकली आपको भी समझ आ गया, याद नहीं करना आपको इसको, रट्टे नहीं मारना। बीआर का पता चल गया आपको, तो सर बीआर अकाउंट बनाने का मेन पर्पस क्या था? सारी इंफॉर्मेशन, वही तो कह रहा हूं कि बीआर ना बहुत कम केस हो सकता है कि बनाना पड़े, बीआर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, मान लो बैलेंस सीडी निकालना पड़े, बैलेंसिंग फिगर, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर ये हो सकता है, और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर तीन हो सकते हैं, एक हम सॉरी दो मेनली, एक ये और एक बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर हो सकता है। क्लियर है? तो हमने अभी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की तैयारी करवा रहा हूं, अभी सेल्स निकालना सिखाया, इसके बाद निकालना सिखाऊंगा परचेज। परचेज के लिए कौन सा अकाउंट बनाएंगे बताओ? क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिट परचेज के लिए क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट में भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा हमारा सेम, फिर वो भी बना लेंगे। तो पहले एक बार इसे नोट कर लो आप, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हम उस पे आएंगे दूसरे वाले अकाउंट पे, ठीक है? नोट करिए पहले आप। एक दो रीजन और मैं बता देता हूं आपको बीआर कम होने का। बीआर अगर किसी को एंडोर्स करते हैं ना, हम अपना बीआर किसी और को दे दिया मैंने, तब भी क्या हो जाएगा? कम। तो बाई साइड में लिखना चाहते हो तो एंडोर्स लिख सकते हो। एक जब बीआर डिस्काउंट करवाते हैं बैंक से, याद होगा, तब भी हमारा डिस्काउंट भी यहीं पे आएगा। तो दो पॉइंट एक्स्ट्रा है, वो सिंपल सा है, जो लिखने वाली बात क्या है मैंने ऐसे ही समझा दिया आपको, ठीक है? तो अभी ये नोट कर लो, जिसको लगता है लिखना चाहिए लिख लेंगे। हाँ, एक नोट जरूर लिखना इसके नीचे, इन केस ऑफ प्रोविजन फॉर। तो क्वेश्चन नंबर एक आपके बुक का है, और क्वेश्चन नंबर आपके बुक का मैं लिख भी देता हूँ, 33 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अब इसमें एग्जामिनर क्या जानना चाहता है? एग्जामिनर बोलता है कि आप इसमें से बिल कैलकुलेट टोटल सेल्स ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टोटल सेल्स की जब बात आएगी तो कैश और क्रेडिट सेल्स दोनों को मिला के टोटल सेल्स बोला जाएगा। यहां से तो कहीं से भी कैश सेल्स निकालने का तो कोई जरिया है नहीं, लेकिन ये सिर्फ हम बनाएंगे क्रेडिट सेल्स फाइंड करने के लिए। और इस अकाउंट को बनाने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले जो बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी है उसे भी पुट कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर अल्टीमेटली ये निकलना है हमारा। तो मैं स्टार्टिंग से देखो, अभी अभी फॉर्मेट लिखवाया था, वो फॉर्मेट मैंने इरेज नहीं किया, इसी में थोड़ा मैं काम चला लेता हूँ। तो बिल रिसीवेबल ऑन 1 अप्रैल 2018, बीआर का ओपनिंग बैलेंस 7800, तो कहाँ जाएगा ये? बीआर अकाउंट के अंदर जाएगा।
और ये बैलेंस बीडी 7800। तो देखो बड़ा आसान है, बस बैलेंस बीडी और सीडी पता होना चाहिए आपको। इसके बाद आगे देखते हैं, डेटर ऑन 1 अप्रैल 2018 डेटर का बैलेंस है तो 30,800, 30,800। इसके बाद आगे देखें तो कैश रिसीव ऑन मैच्योरिटी बिल रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर 20,900। बीआर का पैसा रिसीव हुआ तो कहां जाएगा? क्रेडिट साइड, बीआर के अंदर। तो ये है हमारा 20,900। इसके बाद कहता है आपको कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 70,000, डेटर अकाउंट में जाना चाहिए। और किस साइड? बाय साइड में 70,000। इसके बाद आगे दे रखा है बेड डेट्स रिटर्न ऑफ, बेड डेट्स हो गया 4800, तो बेड डेट्स इसमें आएगा क्रेडिट साइड 4800। बेड डेट्स रिटर्न ऑफ के बाद क्या गिवन है हमें? रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न। लेकिन कुछ बच्चे क्वेश्चन रेज करते हैं, सर कैश वाले में से तो भी सेल्स रिटर्न हो सकता है। लेकिन हमेशा याद रखना, उधार वाला ही सेल्स रिटर्न जनरली ज्यादा होता है। कैश वाला तो आप खरीद के वापस करोगे तो वो रिटर्न नहीं करता। तो हम उधार वाले को ही मानेंगे हमेशा। वो है हमें गिवन कितने अमाउंट से, बैड डेट्स कितने का था हमारा 4800 और सेल्स रिटर्न 8700। 8700 फॉर्मेट मैंने पहले बना लिया, आपको बस पता चलना चाहिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहां जाएगा। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड हो गया बिल रिसीवेबल। इसकी दो एंट्री करेंगे, एक तो डेटर बढ़ाएंगे, तो यानी यहां पे आ गया हमारा कितने से 1800, और एक हमारा बीआरबी कम होगा कितने से। समझ में आया आपका पॉइंट? इसके बाद आगे कहता है आपका बिल रिसीवेबल 31 मार्च का बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी कितने का है? बैलेंस सीडी आपका है यहां पे 6000 का। इसके बाद कहता है डेटर एंड में, डेटर है 25,000, 25,500। चलिए सारा इंफॉर्मेशन लास्ट में कहता है कैश सेल्स 15,900। तो जी टोटल सेल्स निकाले कैसे? तो टोटल सेल्स सिंपल निकालेंगे, टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस में क्रेडिट सेल्स। तो हमें जब दोनों अकाउंट गिवन होगा ना, तो सबसे पहले हम इसे बंद करेंगे बीआर को, और बीआर में से बैलेंसिंग फिगर देखो कहां निकलेगा। अगर इधर निकलता है तो निकलेगा डेटर, जिसको कहां ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि डेटर बना है, बीआर बढ़ा है, तो बढ़ने का रीजन डेटर कम हुआ होगा। तो दोनों बैलेंस दे रखा है, तो बट ऑब्वियस देखो इधर ही हमें नजर आ रहा है कि बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, और इसको कहां ट्रांसफर करेंगे, यहां। तो इसमें दो ही पॉइंट है जो आपस में इंटरचेंज हो जाता है, एक डिसऑनर्ड वाला क्रॉस हो जाता है और एक डेटर वाला क्रॉस हो जाता है, दो ही पॉइंट। और क्यों होता है ये भी मैंने समझा दिया आपको। तो चलिए अब मैं डेटर अकाउंट का टोटल करता हूं, मैं यहाँ पे पहले सॉरी बीआर अकाउंट का अगर मैं टोटल करूं तो बीआर 20,900। हर किसी को समझ में आ रहा है ना ये? और 6,000, ये 28,000, और ये भी आ गया 28,700। माइनस कर देते हैं 7800, 20,900। अब 20,900 का ये फ्रेश बीआर है, ये बैलेंसिंग फिगर निकला है फ्रेश बीआर। तो 20,900 फ्रेश बीआर कहां जाएगा? डेटर अकाउंट में जाएगा। तो 20,900 मैंने यहां लिखा, इस क्वेश्चन में डिस्काउंट नहीं था तो हटा देते हैं, चलो कोई काम नहीं डिस्काउंट का। अब टोटल करते हैं तो इधर निकलेगा तो क्या निकाल पाएंगे हम? क्रेडिट सेल्स। तो देखते हैं एक बार, इधर का ही ज्यादा टोटल है वैसे तो, ये आ गया 129,900, 129,900 माइनस में 30,800 और माइनस में 1800, ये आ गया 97,300। ये क्रेडिट सेल्स आया है, निकाल देते हैं। कैश सेल्स क्वेश्चन में गिवन था कितने का? 15,900, और क्रेडिट सेल्स आ गया 97, टोटल कर देते हैं इसको 15,900, 1,13,200 रुपए हमारा आंसर आ गया। यही तो पूछना चाहता था, चार नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनर इस बार दे सकता है आपके एग्जाम में, 11th क्लास में
चार नंबर में, और बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है, चार को कन्वर्ट कर देते हैं वो 10 नंबर में, 10 नंबर का आता है बीकॉम फर्स्ट ईयर में इस टाइप का क्वेश्चन। हाँ जी इतना सही, सेम ही रहता, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता उसमें। तो आप फटाफट नोट करिए, आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं हम सिंगल एंट्री सिस्टम में, क्रेडिटर अकाउंट और बिल्स पेबल अकाउंट। कंसर्न ये है कि सर क्रेडिटर और बिल्स पेबल क्यों बनाए, तो यहां पे जैसे डेटर और बीआर बनाने का मेन पर्पस था क्रेडिट सेल्स निकालना, सेम ऐसे क्रेडिटर और बिल्स पेबल बनाने का मेन पर्पस है क्रेडिट परचेज निकालना। कैश परचेज आपको एग्जामिनर देगा, आप यहां से क्या फाइंड कर सकते हो, क्रेडिट परचेज। लेकिन पहले हम समझ लेते हैं, क्रेडिटर जो होता है हमारा वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी माना जाता है, तो लाइबिलिटी जो प्लस होगा वो ऑलवेज होगा क्रेडिट साइड से, और जो माइनस होगा वो होगा डेबिट साइड से, चेंज हो जाता है हमारा, ठीक है ना। अब इसके अंदर भी सेम ही कॉन्सेप्ट रहेगा लगभग। तो क्रेडिटर अकाउंट बनाने का मेन पर्पस क्या है, ताकि हम फाइंड क्या कर पाए, क्रेडिट परचेज। और क्रेडिट परचेज क्यों फाइंड कर पा रहे हैं, क्योंकि टोटल परचेज फाइंड होगा। टोटल परचेज क्यों फाइंड करेंगे, ताकि मैं ट्रेडिंग अकाउंट के टू साइड में टोटल परचेज लिख पाऊं, और क्योंकि हमें मेन अल्टीमेटली ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल बनाना पड़ेगा। तो अब इसके बैलेंसेस की मैं बात करूं, तो इसका बैलेंस जो स्टार्ट होगा, क्योंकि लाइबिलिटी है तो बाय साइड से, इस साइड से लिखेंगे बाय बैलेंस, बैलेंस बीडी, डेटर का टू से स्टार्ट था, इसका यहां से, इसका बैलेंस कहां से स्टार्ट होगा, सीडी कहां आएगा, टू साइड में, टू बैलेंस, बैलेंस सीडी, क्लियर है आपको, बैलेंस सीडी यहां लिखा जाएगा। इसके बाद इसका बैलेंस कहां से स्टार्ट होगा, बिल्स पेबल का बताओ, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट से ही होगा, बाय बैलेंस बीडी, और इसका बैलेंस खत्म होगा टू बैलेंस सीडी यहां पे। अब मैं क्रेडिटर को बढ़ने का और घटने के कुछ रीजन में बताऊंगा। पहले मैं घटने की बात करूं, तो घटेगा किस साइड से, टू साइड से। टू साइड से घटने का रीजन ये है, मैं क्रेडिटर को कैश में पेमेंट कर दूं, उधार में माल मैंने 50,000 का खरीदा था तो क्रेडिटर था 50,000 का, 5,000 पेमेंट कर दिया तो क्रेडिटर बच गया 45, तो घट रहा है। तो अगर मैं क्रेडिटर को पेमेंट करता हूं तो किस साइड आएगा, टू साइड में। अगर मुझे वो डिस्काउंट दे दे, सामने वाला जिससे सप्लायर से मैंने माल खरीदा वो मुझे डिस्काउंट दे दे, तो मेरा क्रेडिटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो भी किस साइड आएगा, टू साइड में आएगा, ठीक है। तो घटने का एक तो मैंने बताया आपको कैश रिसीव, दूसरा आपको क्या मिल गया, डिस्काउंट। और अगर मैं बीपी इशू कर दूं, तो बीपी इशू करने के बाद मेरा क्रेडिटर और बिल्स पेबल दो पार्ट में बट जाएगा, तो बीपी करूंगा तो उससे भी क्रेडिटर कम होगा, जो किधर आएगा, हमारा टू साइड में आएगा। सेम ऐसे मैं बढ़ने के रीजन बताऊं, तो उधार माल मैं खरीदता जाऊंगा मेरा क्रेडिटर बढ़ता जाएगा, तो क्रेडिट परचेज कहां पे आएगा बताओ, बाय साइड में आएगा। सेम अगर जो बीपी मैंने इशू किया वो डिसऑनर्ड कर दूं, तो मेरा क्रेडिटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा बीपी देने से मना कर दे, वो इनेबल टू पे हो जाए, तो क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। अब मैं बात करता हूं बिल्स पेबल के, बिल्स पेबल बढ़ने का रीजन क्या, बिल्स पेबल आ जाए हमारे पास न्यू, तो न्यू कहां से आएगा, जैसे ही क्रेडिटर हम बनाएंगे यहां लिखेंगे, अगर क्रेडिटर को मैं बिल्स पेबल दूंगा तो क्रेडिटर कम इधर और ये इस साइड आ जाएगा, बढ़ गया। और सेम अगर बिल्स पेबल अगर हम नहीं देते टाइम पे पेमेंट, तो उससे क्या होगा, बिल्स पेबल कम हो जाएगा, जो किधर आ जाएगा, हमारा टू साइड में। दूसरा रीजन हो सकता है कि हमें बिल्स पेबल को पेमेंट कर दिया, कैश में अगर हम पेमेंट करेंगे तो फिर से हमारा बिल्स पेबल क्या होगा बताओ, कम हो जाएगा। बिल्स पेबल मेरा 10,000 का था, 2,000 दे दिया भाई, तो बिल्स पेबल क्या होगा, कम। तो किधर होना चाहिए, टू में होना चाहिए, माइनस या बाय में, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी माइनस किधर से होगा, डेबिट से होगा। समझ में आया ये पॉइंट, तो उसी चीज को बस मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे घटने का रीजन क्या है हमारा, या तो मैंने कैश में पेमेंट किया होगा या चेक से पेमेंट किया होगा, ये घटने का रीजन है। और क्या है, डिस्काउंट, और बताओ परचेज रिटर्न होगा तो मेरा क्रेडिटर क्या होगा, कम हो जाएगा, टू साइड में, परचेज रिटर्न। और एक और पॉइंट मैंने बताया, बिल्स
पेबल, तो बिल्स पेबल को मैं अलग आपको अलग मार्कर से लिख देता हूं ताकि आपको पता चले कि इसकी एंट्री डबल होनी है, क्रॉस चला जाएगा। दूसरी जगह कहां जाएगा ये? हाँ सॉरी, बीपी बाय क्रेडिटर यहां लिखेंगे, वहां भी देखो डेटर यूज किया था इसलिए यहां पे क्रेडिटर आएगा। क्लियर? इसके बाद यहां पे बढ़ने का रीजन है बाय साइड में, बाय क्रेडिट परचेज, ये बैलेंसिंग फिगर रहेगा। डिसऑनर्ड वाला पॉइंट अक्सर नहीं देखा जाता इसलिए मैं यहां पुट भी नहीं कर रहा, ठीक है। अब बीपी घटने का रीजन क्या है? टू साइड में अगर कैश पेमेंट हो जाए या चेक से पेमेंट हो जाए, जैसे एग्जामिनर बोले, अगर कुछ ना बोले तो आप बैंक मान के पेमेंट कर देना। चलिए, और इसको हम कहां लिखेंगे? यहां मैंने एंट्री लिख दिया और यहां पे बैलेंसिंग फिगर निकलेगा आपका ये, जिसको हम कहां इस्तेमाल करेंगे? यहां पे। और यहां से बैलेंसिंग फिगर निकलेगा ये, जिसको इस्तेमाल करेंगे टोटल परचेज निकालने में। समझ में आया? बड़ा ही सिंपल है, इसके अंदर उससे कम पॉइंट्स है क्योंकि बैड डेट्स वगैरह इसमें है नहीं, ठीक है ना। तो सिंपल सा पॉइंट है हमारा, वैलिड पॉइंट है, डेबिट से हमारा घट जाएगा, क्रेडिट से हमारा बढ़ जाएगा, चाहे बीपी हो चाहे इन दोनों का कनेक्शन एक ही है, ये क्रेडिटर और बिल्स पेबल आपस में क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे दोनों जगह पे सेम अमाउंट से, ठीक है ना। तो आप एक बार ये फॉर्मेट प्रिपेयर करो, फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं हम। बुक में 20.42 पेज नंबर पे, सॉरी 42 पे नहीं है ये, 44 पे है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करना है इसमें देखते हैं एक बार। क्वेश्चन में मेंशन है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाई बाय रोहित, रोहित सप्लायर है जिसने गुड सप्लाई किया, हु कीप हिज बुक ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल परचेज। देखो यहां पे टोटल परचेज डिमांड करता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल दे रखा है, डेटर वाले में तो डेट से पहचान गए थे ओपनिंग, यहां पे ओपनिंग और क्लोजिंग देता है। ओपनिंग बैलेंस बिल्स पेबल का, तो बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस बिल्स पेबल में लिखेंगे बाय साइड में 5000। इसके बाद हमें देता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर, ओ सॉरी क्रेडिटर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर 6000, बोर्ड पे ध्यान देना, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर ये बाय साइड में आएगा अमाउंट। इसके बाद हमें इंफॉर्मेशन में क्या देता है? इसके बाद देता है क्लोजिंग बैलेंस बिल्स पेबल का 7000। तो देखो मैंने उसी फॉर्मेट में आगे यूज कर लिया है। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर का 4000। तो जब कभी भी आप भी प्रिपेयर करो तो बैलेंस बीडी और सीडी लिख दो, बाकी बहुत काम आसान हो जाता है फिर। कैश पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट किया है तो भाई कम हो जाएगा क्रेडिटर, 30,200 से क्रेडिटर कम हो गया। इसके बाद कैश बिल्स पेबल डिस्चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, डिस्चार्ज का मतलब है बिल्स पेबल को पेमेंट कर देना, ठीक है, या बिल्स पेबल मेच्योर्ड का भी मतलब होता है बिल्स पेबल का पेमेंट हो गया, तो डिस्चार्ज का मतलब यहां पे पेमेंट कर देना। तो बिल्स पेबल को मैंने पेमेंट कर दिया 8900, तो बिल्स पेबल टू साइड से हमारा कम हो गया। इसके बाद आगे है रिटर्न आउटवर्ड, ये है परचेज रिटर्न 1200 रुपए, तो परचेज रिटर्न लिख देते हैं हम 1200 रुपए, और कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं, 1200। अब देखो अगर फिर से मैं वही पॉइंट रिपीट करूं कि भाई परचेज क्या होता है, टोटल परचेज इजिकल टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। क्वेश्चन में आपको कैश परचेज दे रहा है, कैश परचेज क्या अमाउंट गिवन है हमें? कैश परचेज 25,800। क्लियर? अब यहां से इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि क्या निकलेगा। यहां से देखो बैलेंसिंग फिगर टू में निकल रहा है, 8900 प्लस में 7000, 15,900, तो 10,900 बैलेंसिंग फिगर निकल गया। इसका यूज कर लेंगे हम कहां पे? इस साइड में, किस नाम से? टू बिल्स पेबल के नाम से 10,000। अब यहां बैलेंसिंग फिगर निकलेगा 30,200 प्लस में 1200, यह आ गया 46,000
300 रुपये, 46,300 रुपये माइनस कर देते हैं 6,000, ये आ गया 40,300। ये हमारा यूज होना है, ये क्या निकला, क्रेडिट परचेज निकाल लिया हमने। देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां से क्या निकाला मैंने, क्रेडिटर, इसको ट्रांसफर यहां किया और वहां से निकाल लिया क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज आ गया हमारा यहाँ पे 40,300, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, प्लस 25, तो 66,100। ये लो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, नोट करिए इसको भी आप।